आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी का हम लोग आवाज़ लेके उसका मार्गदर्शन को लेते हुए हम लोग बंदर देवा जो चेक गेट से शुरुआत हुआ है, यूथ कांग्रेस प्रेजेंट जोनी भाई और उनका साथीगण आयोजित किया है और साथ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी वाजिद भाई जो इंडियन यूथ कांग्रेस से जो इंचार्ज है अरुणाचल का, आज इसमें इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया है। उसका यात्रा का सुबह से आप प्लेग अप करके अभी साथ में चल रहा है, ये दो दिन का यात्रा होगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी शुरुआत है। युवक कांग्रेस अभी गांव-गांव में चलेंगे और हर जिला में चलेगा, क्योंकि ये शुरुआत है और उनको पार्टी से आदेश है कि आगे और चलना है। जब तक हम लोग का कमियाँ पूरा नहीं होगा, जब तक भारत नहीं जुड़ेगा और भारत सुरक्षित नहीं होगा, जब तक भारत में शांति नहीं लाएगा, तब तक ये यात्रा चलते रहेगा। ये राहुल गांधी जी का मिशन है और उनका मार्गदर्शन है, उनका आवाज़ है कि नफरत को मिटाना है और मोहब्बत को जोड़ना है। मोहब्बत का बाजार में नफरत का बाजार में मोहब्बत का बाजार में मोहब्बत जुड़ेंगे, मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। तो ये स्लोगन लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और सर, ये देखा जाए कि जो आपका जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तो पहले से चल के आ रहा था सर, आप जो यहाँ आयोजित कर रहे हैं सर, ये इलेक्शन जो आने वाला साल में इलेक्शन है सर, उसके लिए कर रहे हैं ना सर, क्या है सर? ये यात्रा इलेक्शन के लिए नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए यात्रा है और हर जनजातियों को एक साथ जोड़ने के लिए यात्रा है और भारत को शांति लाने के लिए यात्रा है और भारत को प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी लाने के लिए यात्रा है। ये आम जनता के लिए, विशेष करके जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित के लिए यात्रा है और युवकों के लिए रोजगार के लिए यात्रा है। ये यात्रा एक आवाज़ है, ये एक आवाज़ बन करके युवक तक चलेंगे और हर गांव तक चलेगा और लोगों को जागृत करेगा। ये यात्रा इस प्रकार का यात्रा है। इंडियन यूथ कांग्रेस दिल्ली से, दिल्ली के आदेश पर दो दिन का भारत जोड़ो यात्रा रखा, बांदा देवा से लेके ईटानगर। आज पहला दिन में बांदा देवा से लेके नाहरलगन सेवादल ऑफिस तक रखा गया है। इस यात्रा का, इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये हमारा राहुल गांधी ने जो मैसेज देश में फैला के रखा है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो नफरत इस देश में फैला के रखा है, एक दूसरे को दुश्मनी बना के रखा है, आपस के भाईचारा को जो ख़त्म करके रखा है, डेमोक्रेसी को जो ख़त्म करके रखा है, उसको राहुल गांधी ने जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक शुरुआत किया था। तो आने वाला 19 तारीख में राहुल गांधी जी का बर्थडे है, तो राहुल गांधी जी का बर्थडे को यूथ कांग्रेस देश भर में मनाने के लिए, सुंदर तरीका से मनाने के लिए हमारा स्टेट में दो दिन का पदयात्रा रखा, भारत जोड़ो यात्रा रखा। बाकी स्टेट में तीन दिन का, एक दिन का ऐसे है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल यूथ कांग्रेस ने दो दिन का भारत जोड़ो यात्रा रखा। हमारा स्टेट में ईटानगर में ये भारत जोड़ो यात्रा रखने का मकसद ये है, अरुणाचल में जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करके रखा है, जो फ्रीडम को ख़त्म करके रखा है, एंटी डेमोक्रेटिक जो सरकार चला रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम यूथ कांग्रेस मिलके सड़क पे उतर आया है। हर एक गांव पे ले जाने के लिए राहुल जी का जन्मदिन 19 तारीख को सामने रखते हुए ये यात्रा हम लोगों ने किया है। और अरुणाचल तो बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का लोग इतना सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगले आने वाला यूथ, सब लोग यूथ कांग्रेस का साथ में जोड़ेंगे। और सर, जो आने वाला जो इलेक्शन है, क्या कांग्रेस जीत पाएगा सर? सर तो इतना एक्सपीरियंस आदमी है, इससे तो सबसे ज़्यादा इसका अच्छा आंसर सर का पास में है। और हम लोग तो
फुल फ्लेजेडली हम लोगों का ये एनर्जेटिक हो रहा है। यूथ देखिए सुबह 6 बजे से इतना दूर वॉकिंग कर रहा है। ऐसे सिर्फ यहाँ पे नहीं, सारा अरुणाचल में ऐसे ही मिलेगा। तो हम लोग तो फुल फ्लेजेड हम लोगों का तो ये उम्मीद से रखा हुआ है कि 24 में तो सरकार 100% आएगा अरुणाचल में। थैंक यू सर।